इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट को असंवैधानिक ठहरा दिया। शुक्रवार को केस में सुनवाई करते हुए जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने फैसला दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को अन्य स्कूलों में ट्रांसफर किया जाए। पूरा मामला क्या है, विस्तार से आपको बताते हैं। अंशुमान सिंह राठौड़ नाम के एक व्यक्ति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने रिट पिटिशन दायर की थी। याचिका में अंशुमान ने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार का यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असंवैधानिक है। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया था कि इस एक्ट से संविधान के सेकुलरिज्म प्रिंसिपल का भी उल्लंघन होता है। राठौड़ की याचिका में मदरसों का मैनेजमेंट केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से होने पर भी ऑब्जेक्शन उठाए गए थे। इस केस पर जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की लखनऊ पीठ सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने सुनवाई कर इस पर 8 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। फिर 22 मार्च शुक्रवार को यह फैसला सुनाया गया। इस मामले में याचिकाकर्ता अंशुमान सिंह राठौड़ की तरफ से आदित्य कुमार तिवारी और गुलाम मोहम्मद कामिल जिरह कर रहे थे, जबकि केंद्र सरकार और अन्य रेस्पोंडेंट्स की ओर से अफजल अहमद सिद्दीकी, अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी, आनंद द्विवेदी और सैयद हुसैन के साथ साथ कुछ अन्य वकील भी थे। कोर्ट ने इस केस के साथ में 5 और अन्य केसेस भी क्लब किए थे, जिनका फैसला इसी फैसले के साथ में सुनाया गया है। उन केसेस में याचिकाकर्ता थे मोहम्मद जावेद, सिराजुल हक, अब्दुल अजीज, राजौल मुस्तफ़ा और मदरसा जमीयत उस्लीहत एजुकेशन सोसाइटी। सुनवाई के दौरान ही हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मदरसा संचालित करने को लेकर काफ़ी पूछताछ की थी। कोर्ट ने सरकारों से पूछा था कि मदरसा बोर्ड शिक्षा विभाग के बदले माइनॉरिटी विभाग से चलाने का क्या दुख है। इसके अलावा कोर्ट ने मनमाने ढंग से फैसला लेने की भी आशंका जताई थी और शैक्षणिक संस्थानों के मैनेजमेंट में पारदर्शिता की अहमियत पर जोर दिया था। मगर सरकार की ओर से प्रस्तुत वकीलों की बहस से बेंच संतुष्ट नहीं हुई और आखिर में फैसला याचिकाकर्ता के पक्ष में आ गया। 86 पेज के अपने इस विस्तृत फैसले में कोर्ट ने कहा कि यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असंवैधानिक है। साथ ही कोर्ट ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के भी कुछ प्रोविजंस को असंवैधानिक करार दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने मदरसे में पढ़ रहे छात्रों को अन्य सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर करने का भी निर्देश दिया है। फैसले के 100वें पैराग्राफ में कोर्ट ने कहा, चूंकि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी संख्या में मदरसे और उनमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, इसलिए राज्य सरकार को यह निर्देश दिया जाता है कि इन छात्रों को रेगुलर मान्यता प्राप्त स्कूलों में ट्रांसफर करवाया जाए। अगर इसके लिए स्कूलों में अतिरिक्त सीटें बढ़ानी पड़े या नए स्कूल भी खोलने पड़े तो राज्य सरकार को यह करना होगा। इसके साथ ही राज्य सरकार को यह भी सुनिश्चित करना है कि 6 साल से 14 साल की उम्र वाले बच्चे मान्यता प्राप्त संस्थानों में एडमिशन से वंचित ना रह जाएं। कुछ महीनों पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के इस्लामिक एजुकेशन संस्थानों का सर्वे करने का निर्णय लिया था। सर्वे के लिए अक्टूबर 2023 में सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी गठित की थी, मगर इसके कुछ ही महीनों बाद हाई कोर्ट की रूलिंग आ गई। ये एक्ट मदरसा एजुकेशन के लिए 2004 में यूपी गवर्नमेंट लाई थी। एक्ट के सेक्शन 2 ऑफ एच के मुताबिक मदरसा एजुकेशन का मतलब होता है अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामिक स्टडीज, तिब लॉजिक और दर्शन की पढ़ाई। इसके अलावा समय समय पर बोर्ड इसमें शिक्षा की और भी ब्रांचेस को इंक्लूड कर सकता था। एक्ट के सेक्शन 3 में मदरसा बोर्ड कैसे होगा, इसकी कॉम्पोजिशन बताई गई थी। खैर, अब ये एक्ट और इसका बोर्ड असंवैधानिक ठहरा दिया गया है, लेकिन सरकार के पास अभी भी सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का ऑप्शन उपलब्ध है। लेकिन जो सरकार इसे लेकर पहले ही सर्वे करवाने का निर्णय कर चुकी थी, वो क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी, ये सोचने वाली बात है। बहरहाल, आपकी इस खबर पर राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। इस खबर को आपके लिए लिखा था हमारे साथी शेख नावेद ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।